पे पैनी नजर रख सके। मयूरेश आपसे तब तक हम पहले सुनील गोदवानी के पास चलते हैं। नानिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेलिगेयर के प्रेसिडेंट मिस्टर गोदवानी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या है आपके पहले कमेंट्स इस गाइडलाइन पे? वी वेलकम द फाइनल गाइडलाइंस। इट्स गुड दैट फुल क्लैरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एंड गाइडलाइंस आर वेरी ओपन। आई थिंक दे हैव ओपनड अप टू द एंटायर इंडस्ट्री फॉर मैट, इवन द रियल एस्टेट कंपनीज आर अलाउड, ब्रोकिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट, and the listing at 3 years instead of 2 years is a welcome thing because the business will mature and it will be positive to go public after the business is in a matured phase. Baki most of the things remain the same, the capitalization be same hai, the NOFC has been kept the same, so we welcome the guidelines are out and we will evaluate kis tarike se isko study karna and we look forward to the applications. Lekin ye jo ek non operative holding company ki baat kahi ja rahi hai Mr. Godwani, kya एग्जिस्टिंग जो आपकी कंपनी है रेलिगेयर लिस्टेड एंटिटी वही क्वालिफाई करेगी या आपको एक नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी? ये हमें अभी देखना पड़ेगा, अभी हम बैठेंगे अपनी टीम के साथ, मगर ये तो डिटेलिंग है, अभी गाइडलाइंस की सब स्टडी की जाएगी, इवैल्यूएट किया जाएगा कि किस तरीके से ये नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी क्या एक्सेप्ट करेंगे या रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए होगी, जो भी होता है चैलेंज नहीं है, वो तो प्रेजेंस में भी एक्सेप्ट हो सकेगा और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भी हम कर सकते हैं, वो कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं लगता। जी गोदवानी साहब, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो भी गाइडलाइंस है, क्या आपको लगता है कि आपका ग्रुप इस गाइडलाइंस के दायरे में आता है, आप अप्लाई कर सकते हैं? और खास तौर से एक बात पर आपसे राय लेना चाहता हूं कि जिस तरह से रूरल और अब तक ऐसे एरियाज जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पर 25% ब्रांचेस खोलने का जो आरबीआई ने इस गाइडलाइंस में एक डिसीजन लिया है, क्या उसे पालन करना काफी आसान होगा, कोई मुश्किल की बात नहीं? वी वुड लाइक टू थिंक दैट वी आर एलिजिबल फॉर इट, आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। ओके, सेकंडली इन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, रेलिगेयर हम ऐसे भी हमारा प्रेजेंस ज्यादा टीयर टू सिटीज में है एंड वी आर वेरी होपफुल दैट दिस इज अ पॉजिटिव मूव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू डीपन द बैंकिंग सेक्टर, सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन इट। ओके, जो ये कहा गया है कि 5 साल के लिए कैपिटल का लॉक इन होगा और फिर 12 साल में स्टेक घटाकर 15% तक लाना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट बैंक्स हैं उनके प्रोमोटर्स पे भी आरबीआई प्रेशर डालता रहा है पर उनके स्टेक इतने नीचे आए नहीं है, आपको लगता है नए बैंकों के लिए ये एक काम आसान होगा? एक नए बैंकों के लिए चुनौती तो है मगर देखा जाएगा, अभी तो गाइडलाइंस आई हैं, इनको स्टडी करें, अभी इसमें और डिटेलिंग मालूम चलेगी, इंटरेक्शन होएगा, then we will come back with a final view on this. But prima facie jaise dekh rahe hain, I think it's a very fair guideline, very positive for the entire sector and they've opened up to everybody which is very good. जी, शुरुआती रीडिंग से ये भी दिख रहा है कि 49% तक फॉरेन शेयर होल्डिंग भी शुरू से ही अलाउ की जा रही है, 49% तक बिल्कुल, तो क्या आप सोचेंगे एक फॉरेन पार्टनर के लिए? It's a welcome move, always good to have foreign partners, they can bring you a lot of guidance and technology and how business have run in their countries. होल्डिंग कंपनी के लिए जी गोदवानी साहब, एक और जो यहाँ पर नियम है वो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से कि होल्डिंग कंपनी जिसमें ये बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा मिनिमम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे, सिर्फ बैंक में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हो शायद मुश्किल ना हो प्रमोटर ग्रुप को, लेकिन क्योंकि उस होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत सारे ग्रुप का फाइनेंशियल सर्विसेज का कारोबार आएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एक कंपोजिशन होगी बोर्ड की जिसे फॉलो करना मुश्किल होगा? रेलिगेयर हमारा बोर्ड ऐसे भी 50% इंडिपेंडेंट है एंड इसके अंदर सारे हमारे फाइनेंशियल के कारोबार है, ओके, तो देयर इज नो इश्यू, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेलकम थिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फुल ट्रांसपेरेंसी टू द बिजनेसेस, दैट इज नॉट अ हिंड्रेंस एट ऑल। जी ओके, कुछ हद तक ये फीलिंग थी शुरुआत में जो गाइडलाइंस आई थी कि आरबीआई किस तरह से फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया लगाने वाला है, ये बहुत बहुत साफ नहीं था, अब जो कहा जा रहा है कि जिस सेक्टर में कंपनी होगी उसके रेगुलेटर से दूसरे रेगुलेटर से ओपिनियन ली जाएगी, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको लगता है कि अब सब्जेक्टिविटी कुछ कम हुई है? हाँ जी, सब्जेक्टिविटी अच्छी है बिकॉज कम तो हुई है बिकॉज हमारी जो बिजनेस है हम हर रेगुलेटर के साथ, इंश्योरेंस कंपनी आईआरडी के साथ है, ब्रोकिंग कंपनी सेबी के साथ है, so it is good that the company which is going to get a banking license, all the regulators are fully satisfied and in concurrence that the entity is eligible and the promoters are eligible for the banking license. I think it removes lot of ambiguity to the very positive moment. Godwani sahab, ek aur jo baat kahi gayi ki minimum 500 crore ki requirement hogi banking license ki shuruaat karne ke liye, kya aapko lagta hai is waqt agar aapko banking bank shuru karna ho
कितनी कैपिटल की जरूरत होगी, कितना रीजनेबल अमाउंट आप समझते उतनी इक्विटी आपको डालनी पड़ेगी कारोबार शुरू करने के लिए? ये अभी बताना बहुत मुश्किल है कि कितना अमाउंट होगा। उन्होंने 500 करोड़ बोला, बट ये तो एक बिजनेस प्लान जो पूरा बनाया जाएगा उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल होगा। ये तो हर एक कंपनी जो अपनी एम्बिशन से बनाएगी कितना एक्सपेंशन है, एंड ये देखना पड़ेगा कि 5 ईयर्स में आपको किधर पहुंचना है, 8 साल में किधर पहुंचना है, 10 साल में किधर पहुंचना है। दिस हैज टू बी डन कीपिंग अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड, यू नो। So very difficult to say right now what is going to be the exact capital required in the business plan. Okay, Godwani sir, हमारे साथ speech पूर्व financial services secretary DK Mittal साहब जुड़े हैं। Mittal साहब स्वागत है आपका। ये जो guidelines